नमस्कार, मैं हूँ वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। चलते हैं हापुड़ की और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के जन्म दिन पर। ब्रजघाट में 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रदेश मंत्री एवं श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील बराला ने महामंडलेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लिया। हापुड़ से नवीन गौतम की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। आज जो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा जो जीवन दीप आश्रम है और आश्रम से जुड़े हमारे भक्तजन हैं, तो एक सर हम हनुमते स्वाहा को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ अच्छे साधु आकर बसे तो इस तीर्थ का विकास हो। केवल हम सरकार से साधन मांगते रहें और उस आधार पर हम तीर्थ के विकास की कल्पना करें तो मैं समझता हूं कि तीर्थ का विकास नहीं हो सकता। और एक बात मैं और चाहूंगा, प्रयाग में माघ में कल्पवास होता है, प्रतिवर्ष होता है, एक छोटा कुंभ लगता है। उसी के अनुसार फरुखाबाद में पांचाल घाट पर रामनगरिया मेला एक महीने का माघ में लगता है। यह भी बहुत पौराणिक तीर्थ है और यहाँ भी माघ में जिस प्रकार से माघ मेला कल्पवास होता है, इस क्षेत्र का एक महीने का यहाँ गढ़गंगा और तिगरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर माघ मेला यानी कल्पवास यहाँ पर भी लगने की परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए। और आश्रम से जुड़े भक्तजन हैं तो प्रतिवर्ष 5 और 6 जनवरी एक परंपरा आश्रम की बनी हुई है। भारतवर्ष के किसी ना किसी तीर्थ पर जाकर 24 घंटे का अखंड हनुमान चालीसा हवन करते हैं, तो इस बार ब्रजघाट का चयन हुआ है। और कोरोना के चलते हुए इस कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रखा गया है, तो इसमें रात्रि में एक बड़ा कोई ना कोई सांस्कृतिक कल्चरल धार्मिक अथवा भारत की संस्कृति को दिखाता हुआ कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम भी रहता है। और साथ ही तीर्थ पर जो भी भक्तों के द्वारा सेवा बन पाती है करने का प्रयास रहता है। और इसका मकसद यही है कि भारतवर्ष के जो तीर्थ हैं, इस बहाने भगत लोग उन तीर्थों तक पहुँचे और उन तीर्थों की जो पौराणिक महिमा है, महत्व है, उससे वह परिचित हों। ब्रजघाट भी, गढ़गंगा, ये गढ़मुक्तेश्वर बहुत प्राचीन और तीर्थ है, पुराणों में इसका वर्णन आया है, महाभारत काल में भी इसका वर्णन आया है। तो उसी निमित्त ब्रजघाट में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये आज और कल 2 दिन कार्यक्रम रहेगा। कुछ और विशेषताएं जो आप बताना चाहें इस बारे में? जैसे ब्रजघाट अपने आप में पौराणिक तीर्थ है और यहाँ एक दुर्भाग्य है, तीर्थों के किनारे तीर्थों की शोभा, तीर्थों का विकास और तीर्थों की महिमा संतों से होती है। ब्रजघाट में साधु संतों का दर्शन नहीं होता,
बहुत कम है और अच्छे साधु बहुत कम है। वास्तव में यहाँ के ब्रजघाट के स्थानीय समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि ब्रजघाट में किसी समय फलाहारी बाबा होते थे, बहुत अच्छे अच्छे संत होते थे, तो आखिर वो परंपरा आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। थैंक यू सर।